मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुर सुरथ अजिर बिहारी काम को हमद मान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा जिनके कपट दंभ नहीं माया इनके हृदय बसम रंगराया सबके प्रिय सबके जननी समुजानहि पर नारी धनु पराव विष ते विष भारी जे हर्षहि पर संपति देखी दुखित होहि पर विपति विशेषी जिनहि राम तुम प्राण पियारे इनके मन सुभ सदन तुम्हारे मंगल भवन सब तज तुम्हन रहई उड़लाई तेहि के हृदय रहउ रघुराई सरगु नरकु अप बरगु समाना जह तह देख धरे धनु बाना कर्म बचन मन राउर छेरा राम करहु तेहि के उर डेरा मंगल भवन अर्थात जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है न लोभ है न क्षोभ है न राग है न द्वेष है और न कष्ट दंभ और माया ही है हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति यानी आश्रय नहीं है हे राम जी आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है
जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सब को छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय सियाराम।